7 जनवरी का डेली करंट अफेयर क्विज शुरू करते हैं हम लोग। और अगर आप ये क्विज खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए। हर सुबह 9:30 बजे ग्रुप में क्विज होता है, जिसे आप अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 जनवरी को मनाया गया है। बाकी दिन देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया विश्व वैश्विक परिवार दिवस या और DRDO दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को मनाया गया सावित्री बाई फूले दिवस, जो कि प्रथम महिला शिक्षिका थी। और 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। अगला है, भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है नलिन नेगी। बाकी 4 नाम और हैं, वो नाम आपको याद हो गए होंगे। अजीत सक्सेना मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अंजनी कुमार IPS ऑफिसर हैं। समीर बी कामत DRDO के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। याद रखिएगा गान नगाई उत्सव। तो राज्य आ गए, तो इसके CM और राज्यपाल देखते हैं। असम के हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जगदीश मुखी। त्रिपुरा के हैं मनिक साहा और सत्यदेव नारायण आर्य। मणिपुर के हैं N. बीरेन सिंह और ला गणेशन। मिजोरम के हैं जोरम थंगा और हरिबाबू कंभमपति। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 4 राज्य यहाँ भी आ गए। तो देखते हैं, हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसी तरह से मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई छगन भाई पटेल। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। बिहार के नीतीश कुमार और फागू चौहान। अगला प्रश्न है, देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? इसका सही उत्तर है 8.3%। आप लोगों से प्रश्न ये है कि देश में बेरोजगारी का जो मापन है वो कौन सी संस्था करती है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है शिवा चौहान। बाकी 4 नाम और भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है, आपको याद होगा 3 जनवरी के क्विज में मैंने करवाया था। अवनी लेखरा निशानेबाज है और भवानी देवी होना चाहिए था, भवानी देवी तलवारबाज है। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। बाकी सभी राज्यों के CM और राज्यपाल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के हैं जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना के हैं चंद्रशेखर राव और डॉक्टर तमिली साई सुंदर राजन। उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं CM, गणेशी लाल हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। 4 कंपनी हैं, सभी के देख लेते हैं कौन है इसके CEO। गूगल के हैं सुंदर पिचाई, भारतीय हैं। फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। ट्विटर के हैं एलोन मस्क। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं, 4 राज्य के CM और राज्यपाल देख लेते हैं। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और BD मिश्रा। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी। सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। ये इसी सप्ताह चलेगा, अगले सप्ताह से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, राज्य के राज्यपाल और CM इसी सप्ताह तक चलेंगे। अगले सप्ताह का जो टॉपिक हम करेंगे वो अगले सप्ताह आपको बताएंगे, वो शायद हम वन्य जीव अभ्यारण्य करें या फिर भाषा बोलने वाली करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल CM है कौन, आपके ममता बनर्जी, और लागनेशन यहाँ के
राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है असम। चार राज्य हैं, राज्यपाल और सीएम का नाम देखते हैं, पहले सीएम फिर राज्यपाल। महाराष्ट्र के हैं सीएम एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल बी डी मिश्रा। राजस्थान के अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। गोवा के हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है पी एस श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है जयपुर। जयपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान का सीएम है आपके अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है वो। गुप्पन जी है गोवा में, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, पी एस श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। सभी राज्यों के सीएम और तमिल राज्यपाल देख लेते हैं। तमिलनाडु के हैं एम के स्टालिन, राज्यपाल हैं आर एन रवि। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, राज्यपाल लॉ गणेशन। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल हैं। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं अपने उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। तो ये थे आज के करंट अफेयर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। ये क्विज आप खेलना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, थैंक यू।